पैलियोलिथिक एज के बारे में और मेसोलिथिक एज के बारे में हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे नियोलिथिक एज के बारे में। दिस पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम 8000 BCE एंड लास्टेड टिल 4000 BCE। 8000 साल पहले से लेकर 4000 साल के पीरियड को नियोलिथिक एज बोला जाता है। सम एरियाज इन इंडिया वर नियोलिथिक साइट्स हैव बीन एक्सकावेटेड आर काश्मीर, द नॉर्दर्न विंध्यास, द मिडिल गंगा वैली एंड द ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया। नियोलिथिक एज के बारे में जो साइट्स से हमें पता चलता है, इंडिया में बहुत सारे साइट्स हैं जिनसे एक्सकावेटेड यानी कि मिट्टी के नीचे से खोदकर नियोलिथिक एज के बारे में पता लगाया गया है, और वो बहुत सारे जगह इंडिया में है, जैसे कि काश्मीर, नॉर्दर्न विंध्यास, मिडिल गंगा वैली एंड द ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया। टूल्स, नियोलिथिक एज में क्या क्या टूल्स यूज किए जाते थे। द न्यू स्टोन एज टूल्स वेर एन इम्प्रूवमेंट ऑन द अर्लियर वेराइटी ऑफ टूल्स। नियोलिथिक एज के जो टूल्स थे वो अर्लियर एज के यानी कि पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज के मुकाबले वो स्टोन ज़्यादा शार्प और ज़्यादा पॉलिश थे। दिस टूल्स वर शार्पर एंड पॉलिश्ड विथ शाइनिंग सरफेस टूल्स, वो बहुत उसका सरफेस जो बहुत वो शाइनिंग मारता था। ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सेस सिकल्स, स्पीयर एंड एरो हेड हैव बीन फाउंडेड एट द वेरियस नियोलिथिक साइट्स। नियोलिथिक बहुत सारे नियोलिथिक साइट्स से उस नियोलिथिक एज के बहुत सारे हथियार हमें मिले हैं, जैसे कि एक्स, सिकल्स, स्पीयर्स एंड एरो हेड्स। अभी देखो फार्मिंग एंड हेरिडिंग। इन द न्यू स्टोन एज मैन चेंजेस्ट फ्रॉम फूड गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर। इस एज में क्या हुआ, मैन फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर में चेंज हो गया। ही लर्न टू टेक केयर ऑफ क्रॉप्स, ही सोड एंड ऑल्सो रियर्ड एनिमल। वो धीरे धीरे क्रॉप्स उगाना सीखा, क्रॉप्स को कैसे करके ध्यान रख सकते हैं, उसका कैसे केयर करेंगे वो सीखा, और एनिमल को भी पालना, पशुपालन भी वो सीखा। अभी देखो एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। अबाउट 2000 to 35,000 ईयर्स एगो हंटर्स फ्रॉम साइबेरिया क्रॉस बेरिंगिया एंड रीच अलास्का। 2000 to 35,000 साल पहले हंटर्स फ्रॉम साइबेरिया, साइबेरिया से आए हुए हंटर बेरिंगिया नाम का एक जगह क्रॉस करके अलास्का में पहुँचे। बेरिंगिया वाज ए 600 माइल वाइड स्ट्रिप एंड ए लैंड कनेक्टिंग साइबेरिया विथ अलास्का, बट इज नाउ अंडर ए सी। वो एक ऐसा जगह है जो बेरिंगिया और साइबेरिया को कनेक्ट करता है, ऐसा जगह जो 600 माइल की चौड़ाई है, बट ये वो जगह अभी समंदर के अंदर है। द स्ट्रिप ऑफ वाटर प्रेजेंट देयर इज कॉल्ड द ब्रिंग स्ट्रेट। द हंटर्स ट्रैक्ड साउथवर्ड्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका एंड द रीच चिल आफ्टर जर्नी ऑफ 6000 किलोमीटर। द हंटर्स ट्रैक्ड द साउथवर्ड, साउथवर्ड के तरफ वो लोग चलते रहे अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के समंदर किनारे के एरिया से वो 6100 किलोमीटर आने के बाद रिस्ट चाइल्ड में वो पहुँचे। दे वेयर द फास्ट ह्यूमन इनहेबिटेंट्स ऑफ अमेरिका, वो अमेरिका के पहले वासिंदा थे। अभी देखो चैलियोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज। द टर्म चालकोस मीन कॉपर, सो द चालकोलिथिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉपर स्टोन एज। चालकोस का मतलब है कॉपर, तो इसी इस एज को इसीलिए बोला जाता है कॉपर स्टोन एज। टूल्स मेड ऑफ बोथ स्टोन एंड कॉपर वेर यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में क्या होता था, बहुत स्टोन के बने हुए हथियार भी यूज किए जाते थे और कॉपर से भी बने हुए टूल्स यूज किए जाते थे। ये 4000 साल से 2000 साल पहले तक की पीरियड है। कॉपर वाज द फास्ट मेटल टू बी यूज्ड, कॉपर एक फास्ट मेटल है जो मनुष्य के द्वारा यूज किया गया था। द अर्ली मैन इन्वेंटेड व्हील कार्ट, प्लो एंड सेल बोट। अर्ली ह्यूमन्स क्या क्या इन्वेंट किया था, व्हील कार्ट, प्लो एंड सेल बोट। अभी देखो माइलस्टोन, प्रोग्रेस चेक। अभी देखो इसका आंसर सही या गलत है आपको बताना है, स्टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्टोन टूल्स आर ऑफ टू काइंड्स, यस राइट। नंबर टू, अल्तामिरा इज इन फ्रांस व्हाइल लक्सकाउज इज इन स्पेन, नो इट इज रॉन्ग। अल्तामिरा इज इन स्पेन एंड लक्सकाउज इज इन फ्रांस। नंबर थ्री, स्टोन टूल्स ऑफ द मिडिल स्टोन एज वेयर माइक्रोलिथिक, यस राइट। नंबर फोर, डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय मैन, राइट। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या
जानने को मिला है उसको और एक बार चलो रिवाइज करते हैं। आर्ली ह्यूमंस आर बेसिकली हंटर एंड गैदरर, दे मूव्ड फ्रिक्वेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आर्ली ह्यूमंस जो थे वो बेसिकली शिकारी थे और चारों तरफ से एक जगह में गैदर करके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर रूट्स वो खाते थे, इसीलिए उनको हंटर या गैदरर कहा जाता था। दे मूव्ड फ्रिक्वेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करते रहते थे, कोई परमानेंट प्लेस उनका नहीं था। द पीरियड फ्रॉम 2 मिलियन टू 12,000 ईयर एगो इज नोन एज द स्टोन एज। 2 मिलियन साल पहले से 12,000 साल पहले तक के जो पीरियड है उसको बोला जाता है स्टोन एज। द स्टोन एज इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 स्टेज। स्टोन एज को 3 भाग में, 3 हिस्सों में बांटा गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्योलिथिक एज। आर्ली ह्यूमंस मेड टूल्स फ्रॉम स्टोन, दिस टूल हैव ए वेराइटी ऑफ यूज। आर्ली ह्यूमंस वो सारे चीज़ पत्थर से बनाते थे और ये जो टूल्स हैं ये बहुत काम में आते थे। द डिस्कवरी ऑफ फायर मेड लाइफ इजियर, फायर का डिस्कवरी जो हुआ वो लाइफ को बहुत ईजियर बनाया। कैप पेंटिंग बिलोंगिंग टू द स्टोन एज आर सीन अराउंड द वर्ल्ड। स्टोन एज का कैप पेंटिंग जो है, गुफा में जो पेंटिंग पाए जाते हैं वो विश्व के हमारे अर्थ के चारों तरफ दिखाई देते हैं। इन द न्यू स्टोन एज ह्यूमंस बिकम फार्मर एंड हंटर्स। न्यू स्टोन एज में ह्यूमंस फार्म वो हंटर गैदरर से फार्मर्स एंड हर्डर्स बन गए। द पीरियड फ्रॉम द स्टोन एज इज नोन एज द चालकोलिथिक एज। ड्यूरिंग दिस इरा पीपुल डिस्कवर्ड द यूज ऑफ मेटल। इस एज में क्या हुआ, पीपुल मेटल का यूज करना सीखे।